हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेस्टल आर्ट सीखेंगे। पेस्टल आर्ट्स में हम एक मेथड यूज करने वाले जो है मेथड पेस्टल ऑन पेस्टल। पेस्टल ऑन पेस्टल में हम लैंडस्केप करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेस्टल ऑन पेस्टल लैंडस्केप। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेस्टल ऑन पेस्टल लैंडस्केप। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमने ये ग्राउंड पोर्शन और ये स्काई पोर्शन दिखाया है। यहाँ पर मैं एक हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। हमें ये ज़्यादा बड़ा ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हार्ट ड्रॉ कर ली हूँ। बस हमने यहाँ तक ही ड्राइंग करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। सबसे पहले हम लोग स्काई पोर्शन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है और यहाँ पर मैंने पर्शियन ब्लू और वाइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर कर ले रही हूँ। वन डायरेक्शन आपको स्काई ब्लू कलर कर लेना है। यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर कर लिया है। अब मैं कलर कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर, जो पर्शियन ब्लू कलर है। इसी के ऊपर मैं ये ऊपर की ओर पर्शियन ब्लू कलर कर रही हूँ। हम पेस्टल ऑन पेस्टल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर जो भी मिक्सिंग करेंगे वो पेस्टल से ही मिक्सिंग करेंगे। हम यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टोन फिलअप किया है। नेक्स्ट कलर ले रही हूँ मैं वाइट कलर, जो स्काई ब्लू कलर के ऊपर मिक्स कर रही हूँ वाइट कलर से। आपको यहाँ तक हार्ट के पीछे तक आपको वाइट कलर से फिलअप करना है और स्काई ब्लू कलर को भी ओवरलैप करना है। फिर से स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। अभी आपको स्काई ब्लू कलर वाइट थोड़ा लाइट लाइट करना है। अब मैं स्काई ब्लू कलर से डार्क ब्लू कलर के ऊपर मिक्सिंग कर रही हूँ। जो डार्क ब्लू कलर थोड़ा मिक्स हो गया है वो स्काई ब्लू का सेकेंड टोन यानी मिडल टोन दिख रहा है। अब ऊपर की ओर और ज़्यादा डार्क। अब मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। जो पर्शियन ब्लू कलर है उसके ऊपर आपको थोड़ा कॉर्नर पे ब्लैक कलर से करना है। अब हम ब्लैक कलर को भी ओवरलैप करेंगे पर्शियन ब्लू कलर के साथ। हमें थोड़ा पर्शियन ब्लू कलर स्टार्ट करेंगे। ये ग्राउंड पोर्शन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लेमन येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और इसमें यूज़ कर रही हूँ पर्शियन ब्लू कलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ येलो कलर से। हम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन यूज़ करेंगे। थोड़ा उन्हें ओवरलैप करना है येलो कलर के ऊपर और
येलो पोर्शन ऐसे रखना है फिश। डायरेक्शन आपको ये डायरेक्शन यूज करनी है। यहाँ पर मैंने ये लाइट ग्रीन कलर के ऊपर ओवरलैप किया है था, उसी के पास आपको पर्शियन ब्लू कलर करना है। मैंने आपका जो ग्रीन कलर है वो डार्क टोन दिखेगा। आप लोग लाइट ग्रीन के ऊपर नहीं करोगे, जो हमारा डार्क ग्रीन कलर है उसके ऊपर हम थोड़ा ओवरलैप करेंगे। अब मैं यूज करूँगी ब्राउन कलर। अब हम कहीं पर कोई कोई पोर्शन पर भी ब्राउन कलर से करेंगे। लाइट ही करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। कुछ डार्क लाइन्स, थोड़ा ब्लैक कलर यूज करेंगे। अब हम ये पोर्शन करेंगे। यहाँ पर मैं कलर यूज कर रही हूँ रेड कलर। आपको रेड कलर प्रॉपर कलरिंग कर लेना है। थोड़ा ब्राउन कलर, यहाँ पर तो आपको थोड़ा लाइट लाइट भी करना है। यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर। ये हमने थोड़ा ही छिलक किया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कलर से शेड फिलअप कर रही हूँ वन साइड। Thank you.